चक्कर आ रहा है मुझे। ईशान, ईशान, ईशान उठो। सफिया, ओ सफिया, आई। देख रही हैं मम्मी, आज शादी की सालगिरह है तो कितने झटपट काम हो रहे हैं। बस मेरी ही बेटी की सालगिरह के लिए पैसे नहीं थे। अरे तो देखती जा, फिकर मत कर, आज जो केक आ रहा है ना, ये मेरी नवासी अरीबा ही काटेगी। मेरी अकलौती नवासी है और ज़ीशान उसका मामू है, क्या इतना भी नहीं कर सकता उसके लिए? बस रहने दे अम्मी, बड़ा ख्याल रखा है ज़ीशान ने मेरा। इतना ही ख्याल होता ना मेरा तो आज इस घर में अफशां हो। देखा कितना बुरा लगा। अरे इस घर में आते ही मुझे बेघर कर दे, क्या मैं इतना भी ना बोलूं? अच्छा तो दिल को ना लगाया कर। हमें डाउट है कि ज़ीशा साहब को कैंसर है। रिपोर्ट्स आने दें, फिर देखते हैं क्या करना है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस ऐसे थक गई थी। अच्छा एक चीज दिखाऊं आपको? श्योर, बैठो। ये देखिए कैसा लग रहा है। वाओ, तो बहुत प्यारा बैग है। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। थैंक गॉड कि आपको पसंद आ गया, ये मैं आपके लिए लाई थी। आज आपकी शादी की सालगिरह है ना, मेरे लिए? मगर तुम काफी दिनों से पॉकेट मनी जमा कर रही थी, तो बस कल कॉलेज से वापसी में आपके लिए लेती आई। आपको बैग्स बहुत पसंद है ना? हाँ सानी, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। छोटी हो तो क्या हुआ भाभी, मेरे एक ही तो भाई भाभी हैं, क्या मैं उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? बहुत प्यार करती अपने भाई से, बहुत ज्यादा, और भाभी से भी बहुत ज्यादा, मेरी इतनी प्यारी भाभी। अच्छा खैर आप और भी तो देखें, मैं भाई के लिए पेन सेट लाई। ये तो वो खुद ही देखेंगे। थैंक यू सो मच, अ प्लेजर। अच्छा अब आप रेस्ट करें और भाई को दिखाइएगा, मैं उनके लिए गिफ्ट लाई, ठीक है? वालेकुम सलाम। आज बड़ी खामोशी से आए, सब खैरियत तो है? बेगम को सरप्राइज जो करना था। मेरी दवा लाई हुई है वो भी भूल गए, सिर्फ बेगम का गिफ्ट ही ढूंढते रहे। जी आपकी दवा यहीं कैसे बोल सकता हूँ, बाइक खराब हो गई थी इसलिए घसीटता हुआ लेकर आया। और मेरी बच्ची का फ्रॉक वो भी भूल गए, या फिर बेगम के साथ कहीं प्रोग्राम था होटल में इसीलिए पैसे बचा दिए? पैसे हैं ये, ये ले लीजिए, खुद ही ले लीजिएगा। ये जो पैसे दे रहे हो ना, तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, ये तुम्हारी ही मेहरबानी जो इस तरह तुम्हारे घर में तुम्हारी मोहताज बनकर बैठी हूँ।
क्या हर्ज था अगर अफशान से शादी कर लेते तो? आज इतनी देर से आयो? हाँ, वो रस्ते में बाइक खराब हो गई थी, लेट है, पर सॉरी तुम्हारे लिए क्योंकि गिफ्ट नहीं ला सका। कोई बात नहीं, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए बहुत है। तो क्या हुआ अगर इस साल हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करें? हम दोनों नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे। हम दोनों नहीं, हम तीनों, क्योंकि हमारा बेटा भी हमारे साथ है। मैं उसको बताऊंगा कि उसके बगैर हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं की। ओ हाँ, मैं तुम्हें अभी एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, सानिया ने एनिवर्सरी गिफ्ट दिया। हाँ। ये मेरे लिए बैग। वाव, तो स्कूल हाँ? और ये तुम्हारे लिए, खोलो। कमाल है। खाना लेकर आऊँ? खाने में क्या है? करेले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो एक्चुअली अम्मी ने कहा था, इसीलिए बना दिया। कुछ और ले आऊँ? ठीक है, मैं कुछ और बनाती हूँ, जाके बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा असली जोड़ तो सिर्फ मेरे साथ ही है। मेरा बस चले तो सारी उम्र तुम्हारे साथ इसी तरह रहूं। देखो ना, हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं एक साथ। अफशान। जी अम्मी। तुम यहां बैठी हो, चूल्हे पे सारा दूध उबल उबल के गिर गया, पागल कहीं की। अम्मी मैं अभी देख लेती हूँ। खालो, तुम कितने अच्छे हो, एक ही फोन पे मैंने लिए तुम कबाब लिए। अरे सफिया, बीवी बोले और हम ख्वाहिश पूरी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बताऊं, आज अम्मी ने ना उसकी सालगिरह खराब करने के लिए करेले बना दिए। सोचा था केक आएगा तो वही चाय के साथ दी लूंगी, केक भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, तुम अब मजे से कबाब पराठा खाओ, मैं चलता हूँ। तुम्हें पता है यहाँ आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होता। पता है मुझे, तुम्हारी अम्मी की खाला यहाँ रहती है ना। अरे सफिया, उन्होंने मुझे अगर यहाँ से जाते हुए भी देख लिया ना, तो तुम्हें पता है ये जो हमारा सिलसिला है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे भी जबरदस्त भूख लगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हमें डाउट है कि जीशा साहब को कैंसर है। जीशान, व्हाट हैपेंड?
क्या ढूंढ रही है लड़की सुबह सुबह? कैंची? अरे कैंची से क्या काटना है सुबह? इस घर से आपकी बहू को कहाँ है? बावर्ची खाने में। या अल्लाह मेरी बेटी की मदद फरमा। हो गया काम, आज ही जाके आमिर साहब को दे आती हूँ। इस मनहूस मरियम और उसके बच्चे से जान छूटे हमारी, आज ही दे देना उन्हें और नाश्ते के बाद फौरन निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो रश बढ़ जाए। ठीक है, चले। इस खुशी में सुबह की चाय मैं आपको बना के देती हूँ, साथ पापे भी लेती है। ठीक है। या अल्लाह, सारी मुसीबतें मुश्किलें दूर फरमा, मेरे मालिक मेरी बच्ची की मदद फरमा। मरियम, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता तैयार है। मुझे देर हो रही है मरियम। लेकिन मैं तो नाश्ता बना चुकी हूँ। क्या बात है ज़ीशान? मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। बोलो। तुम अपसेट क्यों रहते हो? मैं नोटिस कर रही हूँ तुम रात को भी देर तक जागते हो। सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे। Is everything fine? तुम बहन कर रही हो, अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखो। अच्छा सुनो, पता है 7th month स्टार्ट हो चुका है और अब तकरीबन 100 डेज रह गया फिर हमारा बच्चा हमारे पास होगा। और पता है आज तो चेकअप भी है, प्लीज जल्दी आना। हाँ चेफ। ये फाइल। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। रिपोर्ट्स ले आए? नहीं, वो टाइम नहीं मिला, बाद में चल जाऊंगा। अरे साहब, वो राजम से बात हुई आपकी? उसने वीकली रिपोर्ट मेल नहीं की अभी तक। हाँ, वो ईमेल की थी उसने मुझे, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक। सुनो। जी। जब रिपोर्ट्स लेने जाओ तो सबका जरूर दे दूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ठीक है। खाली हाथ में चाय पकड़ा देती हो? तुमसे इतना नहीं होता कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी दे दो? आपा, ज़ीशान तो घर पे नहीं होते, तो अब बेकरी से तो वही सब कुछ ला सकते हैं। हमारे घर में बाहर से खाना नहीं आता, घर में बनाया जाता है। मम्मी, पकौड़े खाने का दिन चाह रहा है। लो, हो गया फैसला,
जल्दी से पकौड़े बना के मेरे कमरे में पहुंचा। चलिए बेटा अभी लाती हैं तुम्हारे लिए। सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके कुलीग ज़ीशान साहब को कैंसर। ज़ीशान की जिंदगी के 100 दिन बचे हैं।